5 रुपए भाई साहब, लेडीजों का सामान यहाँ 5 रुपए 10 रुपए में होगा ना, गायब हो जाएगा छुट्टियों में। पानी के साथ की रोटी खानी है हमें ना, हाथ की रोटी। हाथ की, पैरों की कौन बनाता है रोटी? देख लो भाई देख लो, यहाँ पैसे की गिनती हो रही है। मम्मी मेरे पैसे देने जा रही है, किस चीज के? मैं घूमने जा रहा हूँ उस चीज के लिए मम्मी मुझे दे रही है पैसे बहुत सारे, है ना? 9 तारीख को मैं घूमने जा रहा हूँ, दे रही है मम्मी? हाँ। है ठीक, ले लूँ। ओहो 150 के 2 शर्ट और मर्सिडीज, ये जा रही है मर्सिडीज GLS 400 कर गया शायद यार भाई, एक दिन अच्छा प्रोसेस मिल जाए तो कोशिश करेंगे आप सबके मदद से मर्सिडीज। तो गाइस हमारी बचपन की यादें ताजा होती हुई देखो, विधान ओ मार दिया भैया पंखड़ी उड़ाते हुए, देख रहे हो ये पंखड़ी पहले कभी हम उड़ाया करते थे। उनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है। हेलो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो आ चुका हूँ आपके साथ एक और वीडियो लेकर। आज सुबह से हमने कोई वीडियो नहीं बनाई, आज सुबह से हम गए थे एक फंक्शन में, वहां से जस्ट अभी लौटे हैं और निद्दो बुद्दो हमारे सामने दोनों के दोनों बच्चे आते हुए, और विधान शर्मा भी आ गए अपनी वॉच लेकर। हेलो जी, कह दो हेलो जी। और इधर निशु लेकर आई है भाई गर्मा गर्म चाय, वो भी शाम को, आज लेट 6 बजे चाय आ रही है। हेलो जी करो, हटाओ। हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, कैसे हो, कैसे हो आप सब लोग? तो 6 बजे हमारा व्लॉग आज शुरू हो रहा है और अभी फिलहाल में मैं जाने वाला हूँ मार्केट। तो आज छोटा सा अपडेट आपको मार्केट का देते हैं, हमारे यहाँ पर सैटरडे बाजार, तो अभी हम सैटरडे बाजार के लिए निकलने वाले हैं फटाफट से। क्या हो गया, गुस्सा किस बात पे आ रहा है इस बच्चे को? बच्चे इस बच्चे को आ रहा है गुस्सा बहुत सारा। और अभी हम निकलने वाले भाई सैटरडे बाजार, और सैटरडे बाजार से हमें लेकर आने इनके लिए बहुत सारे डाइपर, क्योंकि वहाँ से डाइपर काफ़ी सही रेट में मिल जाते हैं। तो हम जा रहे हैं इस टाइम सैटरडे मार्केट, और सैटरडे मार्केट से पूरा बड़ा वाला पैकेट ठाके लेकर आएंगे फटाफट से। और विधान शर्मा क्या कहना चाहते हैं, बोलो जल्दी से, क्योंकि हम भी जाएंगे। नहीं, मार्केट कोई नहीं जाएगा, मार्केट सिर्फ मैं जाऊँगा और कोई नहीं जाएगा। और मेरा फ़ोन बज चुका है, पीते हैं गर्मा गर्म चाय और करते हैं फ़ोन पर बात और निकलते हैं फटाफट से घर से बाहर। लो भाई देख लो, यहाँ पैसे की गिनती हो रही है, मम्मी मेरे पैसे देने जा रही है, किस चीज़ के? मैं घूमने जा रहा हूँ उस चीज़ के लिए मम्मी मुझे दे रही है पैसे बहुत सारे, है ना? 9 तारीख को मैं घूमने जा रहा हूँ, दे रही है मम्मी? हाँ। है ठीक है, अब मम्मी करवाएंगी बस का टिकट। ठीक है ना, पक्की बात है ना, मुकर मत जियो। वीडियो प्रूफ है, है ना? और ना दूध तो है, वीडियो में तो प्रूफ है, कोई जरूरी है कौन देख रहा वीडियो में? जो देखने वाले देखा तो बेचारे ये कहेंगे कि तुम पैसे क्यों नहीं दिए भाई, मेरे पे है ही नहीं पैसे तो मैं दूं कहां से? ये तो ये गिने तो जा रहे हैं, ये गिने तो जा रहे हैं, पैसे दिए जाएंगे। अरे ये तो इसमें से दिए जाएंगे पैसे, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, तो ये दिखाने दिखाने के देने दाने के नहीं है। मम्मी देंगी अब की बार पैसे, मुझे अभी 500 रुपए मिल चुके हैं, मैं जा रहा हूँ मार्केट। मुझे अभी 500 रुपए मिल गए तो मैं तो जा रहा हूँ पहले मार्केट करने, फिर मार्केट से सामान लेकर आते हैं और आपको लेकर चलते हैं आज मार्केट में। चलो यार लाइट वाइट जलाओ फटाफट से, अंधेरा अंधेरा हो रहा है, अंधेरा अंधेरा हमें पसंद नहीं है। और विधान शर्मा को क्या हुआ? चलो फटाफट निकलते हैं घर से और चलते हैं मार्केट। तो भाई मैं तो घर से निकल कर आ गया फटाफट से, और अभी फाइनली चल रहे हैं मार्केट के लिए। पैदल पैदल जा रहे हैं क्योंकि पास में ही मार्केट है, तो इसलिए जा रहा हूँ पैदल पैदल ही। और दूसरी बात यह है कि हम 9 तारीख को जाने वाले हैं कहीं घूमने, वो सारी चीज़ आपको अपडेट मिली जाएंगी आने वाले टाइम में। 9 तारीख के लिए हमने टाइम निकाला है कहीं जाने के लिए, भाई शायद वहाँ जाकर कुछ अच्छा हो जाए, तो इसलिए सोचा गया है कि वहाँ क्यों ना चल लिया जाए। तो देखते हैं क्या चीज़ होगी क्या चीज़ नहीं होगी, कैसे करना है कैसे नहीं करना, सारे प्रोग्राम सेट किए जा रहे हैं। अपना फाइनल हो चुका है वैसे, जो भी हमारी सीट वगैरह जो भी है हमने कंफर्म करवा दी है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो भी आने वाले टाइम में हम कर देंगे क्लियर, और कब करेंगे कब नहीं करेंगे वो भी आपको आने वाली वीडियोज़ में पता ही चल जाएगा। लगे पड़े कोशिश में, देखते हैं जो भी चीज़ होगी अच्छी होगी।
मार्केट में, और मार्केट में हुई पड़ी है जबरदस्त भीड़। और देख लो अल्लाह जहाँ आना शुरू हो जाए ना, समझ जाओ आप किसी मार्केट में हो। और देख लो सामने ये हाल चाल है बस, इधर भीड़ भाड़ है बहुत अच्छी खासी। और इधर हम जाते हुए बाजी जी का तो हमारा फेस अच्छा आ रहा होगा, और बाजी जी का आ रहा होगा हमारा फेस ख़राब, क्योंकि कहीं उजाला कहीं अंधेरा, कहीं उजाला कहीं अंधेरा, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। फुल ट्रैफिक भाई, चलो फटाफट से निकलते हैं एंड चलते हैं जहाँ हमें जाना है। मैंने सोचा यार आज मैं अकेला क्यों जाऊँ, आप सबको साथ में लेके चलता हूँ, तो इसलिए मैं आज आप सबको ही साथ लिया है। मैंने कहा चलो सबको भी दिखाते हैं कि हम कभी कभी क्या करते हैं। चलो भाई मेन मार्केट में पहुँचते हो तो सब्जी मंडी सी थी, अब मेन मार्केट में यहाँ देख लो, यहाँ भी देख लो, और इस रोड पर ट्रैफिक भी देख लो, ये देखो जूते ही जूते सारी चीज़ें। यानी कि अब आए हैं बड़े वाले रोड पे, जो कि नंदीग्राम रोड है, नंदीग्राम रोड पे ये वाली मार्केट भरती है और सारी चीज़ मिल जाती है भाई यहाँ सस्ती से सस्ती। ये देखो जूते वगैरह भी मिल रहे हैं, ये रहे जूते वगैरह बहुत सारे, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, बहुत सारी, इसकी कोई लिमिट को ना, इतनी सारी चीज़ें मिल जाऊँ यहाँ। चलो ये देखो ₹5, 10 रुपये भाई साहब, लेडीज़ों का सामान यहाँ ₹5, 10 रुपये में होगा ना गायब हो जाएगा छुट्टियों में, ऐसा होगा यहाँ। देख रहे हो सारी चीज़ें बिक रही है, सारी चीज़ ₹5, 5 रुपये भाई, ₹5, 5 रुपये में चीज़ मिल रही है मार्केट में, जबकि खाने की चीज़ आज की डेट में ₹5 की नहीं रही है। शैम्पू, शैम्पू भी सस्ते सस्ते मिल रहे हैं यहाँ पर, दिखाऊँगा अभी, पहले मैं अपना जो सामान लेना है वो ले लूँ। ओहो 150 के 2 शर्ट, 150 की 2 शर्ट, क्या बात है। लो भाई यहाँ भी देख लो, ₹100 में ₹100। यहाँ पे देखो भाई साहब, यहाँ पे है तगड़ा क्रेज, भाई साहब इधर है तगड़ी भीड़, बहुत तगड़ी भीड़ है। तो देखो फुटपाथ पे भी रख रख के बेचा जा रहा सामान, ये देख लो बच्चों के टॉयज, देख लो भाई साहब सारी चीज़ मिल लिया, खाओ पियो ऐश करो। और अभी क्या क्या दिखाऊँ यार इतनी भीड़ में, क्या दिखाऊँ पर मैं, ये देखो ये देखो, भाई साहब गजब भीड़ हो रही है, ₹30। मेकअप ₹30, क्या बात है। चलो निकलते हैं पार्क, फॉइल पेपर भी सब चीज़ें भाई, हम तो जिस काम से आए वो काम करते हैं, और निकलते हैं फटाफट से यहाँ से, फिर जिस काम से आए थे ना वो काम हो गया अपना, ये ले लिया हमने, अब इसे लेके निकल लें वापस, क्या बात है। सामान हमारा कंप्लीट, यानी कि हमारा मिशन डन हो चुका है, और आवाज़ इतनी ज़्यादा हो रही है ना, इतनी ज़्यादा भाई बता ही नहीं सकता कितनी ज़्यादा। और ये अपने को ड्राइवर का पैकेट भाई बढ़िया पड़ता है एकदम, बहुत सही रेट पड़ जाता है, इसलिए यहाँ से ले जाता, क्योंकि भाई कोई से भी ड्राइवर ले लो जाने तो डस्टबिन नहीं है ना। और भैया पीवी बजा रहे हैं, हट जाओ भैया उड़ा देंगे भैया और नाम है। तो फाइनली ये मिशन तो डन, अब मिशन घर को चुनते हैं, क्योंकि भीड़ बहुत है यहाँ पे, फटाफट से भाग लेते हैं अपने बस की, इतनी देर वीडियो में रहना नहीं है, मैं तो कभी कभार आ जाता हूँ बस इन्हें लेने के लिए, वरना यहाँ ना भाई एक रिक्शा मान लो, बहुत ज़्यादा रिक्शा मान लो, क्योंकि भाई पता है क्या दिक्कत होती है, दिक्कत ये होती है कि यहाँ पे ना बहुत सारे झंझट होते हैं, आपकी जेब कट जाए, आपका फ़ोन निकल जाए, आपका कुछ भी हो जाए, आप उसके ज़िम्मेदार खुद ही हो गए, तो इसलिए मैं ज़िम्मेदार नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। एकदम 150 रुपये, चलो
ब्रांडेड माल एमआरपी से 60% ऑफ, ब्रांडेड माल एमआरपी से 60% ऑफ, ब्रांडेड माल एमआरपी से 60% ऑफ। भाई साहब सुन लो, 60% मतलब 40% में मिल रहा है आप लोगों को यहाँ पे एमआरपी से, यानी जब शैम्पू वगैरह जो है एमआरपी से सीधा 60% ऑफ। चाहो तो ले सकते हो, अनार भी ले। चलो भाई चलो, निकलने का नंबर है बस यहाँ से, देख लो फटाफट फटाफट। ये मंदिर है जय हो बजरंगबली की। कॉटन की शर्ट ले जाओ, आ जाओ 200 रुपए। मुझे लग रहा है पीछे पुलिस वाले आ रहे हैं। भाई क्या है यहाँ पे, अगर पुलिस वाले आ रहे होंगे ना तो ये सारे ठेली वाले जो इतने लगाए हुए रोड पे, ये सारे भाग जाएंगे अब। लो भाई काफ़ी सारी मेहनत के बाद हम निकल गए मार्केट से बाहर, और अब वापस भाग रहे हैं। अंधेरा अंधेरा तो थोड़ा सा आपको आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे अंधेरा ही है, पर कोई बात नहीं। नई ई रिक्शा, वाओ भाई साहब मर्सिडीज, ये जा रही है मर्सिडीज GLS 400 कर गया शायद यार भाई, एक दिन अच्छा प्रोसेस मिल जाए तो कोशिश करेंगे आप सबके मदद से। मर्सिडीज़ भाई ख्वाब बहुत बड़े बड़े हैं, मेरे तो मेरे बच्चे के ख्वाब भी बहुत बड़े बड़े हैं, सबके ख्वाब ऐसे बड़े होते हैं। ख्वाब देखना भी चाहिए क्योंकि जब ख्वाब देखोगे जब भी तो कंप्लीट होंगे ना, तो कोशिश करते हैं देखते हैं, और आप सब भी कोशिश करो, मैं भी कोशिश करता हूँ, सपोर्ट करो और एक दिन कंप्लीट भी होगा। भाई हम तो आ गए घर, और साथ में लाए हम इतना बड़ा पैकेट भाई साहब, ठीक है इसमें कितने पीस होते हैं क्या होता है वो सारी चीज़ ऊपर चल के बताते हैं। ऊपर कोई भी नहीं है अभी, मम्मी गई हुई। कौन? मैं हूँ, ओनली मैं, मतलब मैं और कोई नहीं। और भाई साहब एक चीज़ मैंने देख ली भाई साहब, दुकानों के जो डाइपर होते हैं और ये डाइपर जो होते हैं ना भाई, बहुत फ़र्क होता है, बहुत फ़र्क। किस चीज़ में फ़र्क होता है मैं आपको रेट में बता रहा हूँ, वैसे फ़र्क नहीं बता रहा। जाने तो सारे के सारे डस्टबिन ही हैं, चाहे ओरिजिनल ले लो चाहे कैसे भी ले लो, जाएंगे सब डस्टबिन में ही। लेकिन सही है भाई, फ़ायदा है इसमें। बच्चों को इतने डाइपर चाहिए ना, इतने डाइपर चाहिए ना जिसकी कोई लिमिट हो ना, और इन डाइपरों में काफ़ी सारा बेनिफिट हो जाता है। ऑनलाइन भी आपको ये रेट नहीं मिल पाएंगे, जो रेट ये अब मैं लेकर आया हूँ ना, इतना बड़ा पैकेट इसमें 75 पीस के करीब होते हैं, और ये पड़ता है भाई एल साइज़ या कोई भी साइज़ आप ले लो, केवल और केवल 450 रुपये। 500 रुपये बोलता है, 450 रुपये में ले देता है, ड्राइवर निकलते हैं एक नंबर। रात भर लीकेज नहीं होते, पूरी रात चल जाते हैं आराम से, तो दिक्कत किस बात की है, इसलिए हमने ये वाले ले लिए। चॉइस या चॉइस, हम तो भाई काफ़ी टाइम से ही नहीं यूज़ कर रहे हैं और अभी नहीं यूज़ कर लेंगे, बस थोड़े दिन की बात हो रहा है, उसके बाद में हमारी बच्चियाँ बोल देती हैं कि पापा मम्मी बहुत ही आई है, तो इसलिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब। और अभी चलो पसीनों में नहा गया यार, पैदल चल चल के ये दिक्कत आ जाती है, पैदल चलो तो पसीने आ जाते हैं बहुत जल्दी करके, क्योंकि अब पैदल चल रहा तुम्हारे भाई ने कम कर रखा है, इस चक्कर में तुम्हारे भाई के ना हालत ख़राब हुए पड़े, पेट थोड़ा सा निकल गया है, और अब मैं सोच रहा हूँ बाइक लूँगा क्या करूँगा, तो पेट तो थोड़ा कम करना पड़ेगा ना। और 9 तारीख को जो जहाँ हम जाने वाले हैं भाई, 9 तारीख को, और जो हम करने वाले हैं 10 तारीख को, फिर एक नंबर होने वाला है मामला। तो आपको क्या करना है वो सब चीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट करनी है, तो जल्दी जल्दी कर दो, ठीक है मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो गाइस हमारी बचपन की यादें ताज़ा होती हुई देखो, विधान ओ मार दिया भैया पंखड़ी उड़ाते हुए, देख रहे हो ये पंखड़ी पहले कभी हम उड़ाया करते थे, ऊंची उड़ाओ ऊंची ऊंची, हाँ ऊंची उड़ा, मजा आता है, देख रहा विधि कितनी खुश होती है। हेलो गाइस, ये देखो हेलीकॉप्टर आ गया, ये हेलीकॉप्टर आ रहा है अपना, है विधि अच्छा है, अच्छा है देखो, ओए ओए ओए, अरे अंगूर आ गए, अंगूर, अरे लाओ अंगूर दे दो खाने को, रे
इधर हेलीकॉप्टर लाओ हमारा। हेलो भाई पकड़ो, मैं उड़ा लू। मैं देखो पहले देखो, वन टू टू थ्री थ्री हमारे पास वापस कैसे है ये देखना। वन टू थ्री ये देखो हमारे पास फिर से वापस ऐसे आ जाता है ये देखना फिर से। अब की बार उधर आ गया भाई, ये देख रहे हो पहले हम बचपन में खूब उड़ाया करते थे, अब तो ये देखने को भी नहीं मिलती। पर विधान लेकर आया और उसके बाद में सब लेकर आए, बहुत मजे से उड़ाई सबने, और अभी भी विधान की सही है और सबकी तो पता भी नहीं कहाँ कहाँ चली गई है ना। लड़की तो टूट गई, टूट गई सबकी, इसकी पता नहीं इस सब की गई भाई सबकी। पर विधान के पास ये ऐसी की ऐसी धरी है और हम इसे रोज उड़ाते हैं। अब विधान आपको फिर से एक बार उड़ा के दिखाएगा, ये देखो। चलो भाई, तो भाई देखो रोटी बनाई जा रही है ठंडी ठंडी सी, और घी अब ये भी लाए हैं हम। देखो कितना सारा घी हो गया है, पानी के हाथ की रोटी खानी है हमें, हाथ की बनाओ वाद की, पैरों की कौन बनाता है रोटी? चकला बेलन की बनाते हैं। चकला बेलन की मत बना तू, हाथ की रोटी बना ले। तो भैया रोटी बन रही है, तुम बना के दिखाओ आज मुझे। बनाओ रोटी। हाँ चलो रोटी बनवा देते हैं, खा लेते हैं और सो जाते हैं, खा के हम खा लेते हैं। ये बना देती है, बात ऐसी है ये बनाएगी और हम खाएंगे और सो जाएंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे ठीक है। और अभी के लिए सभी व्यूअर्स को राम राम, रोटी के साथ आप सब रोटी बनाओ और खाओ खा लो मेरे हाथ की रोटी।